नमस्कार दोस्तों, सरकारी कर्मचारी भी कभी कभी कोई ऐसा कृत्य करते हैं जिससे वीर के दृष्टि में वह अपराध होता है और वह कृत्य उनका दंडनीय होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं हो पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई सरकारी कर्मचारी है तो उनको उसका लाभ मिलता है और उन्हें 197 CRPC का प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कोई उपाय नहीं है, कोई उपचार नहीं है कि इनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई जा सके या इनकी कोई शिकायत की जा सके? तो आपको मैं बताता हूँ आज के इस वीडियो में। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी मान लीजिए ऐसा कोई कृत्य करे जिससे कोई अपराध बनता हो, तो उस सिचुएशन में जो भी उनके विभाग के विभागाध्यक्ष हो, जो भी उनके सीनियर ऑफिसर्स हो, आप उनसे पहले शिकायत कीजिए। अगर वह कोई कार्रवाई करते हैं, उनके विरुद्ध FIR रजिस्टर करवाते हैं तो ठीक, और नहीं करवाते हैं तो आप 156(3) CRPC में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि 156(3) CRPC के प्रार्थना पत्र में ऐसे प्रार्थना पत्र को जो भी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध दिया जाता है, इसकी सुनवाई का अधिकार 197 CRPC के अंतर्गत जो भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनके पास है, या जो भी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उनके पास में है, और रेयरली ही ऐसे मामलों में FIR रजिस्टर करने का आदेश चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट करती है। लेकिन अगर आप 190 CRPC के अंतर्गत कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, परिवाद दर्ज करवाते हैं, तो परिवाद दर्ज हो जाता है आसानी से। और ये ध्यान रखिए कि परिवाद में भी ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई हो सकती है। ऐसा नहीं कि वो परिवाद दर्ज होने पर बच जाएंगे, उनके विरुद्ध अगर पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो कार्रवाई होना तय है, क्योंकि FIR रजिस्टर्ड होने के बाद भी विवेचना कोई पुलिसकर्मी ही करेगा और उस पर भी वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने लाभ ले सकते हैं। लेकिन कंप्लेंट दर्ज होने पर उन्हें लाभ मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं और निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कोई ऐसा कृत्य करता है जो कि विधि की दृष्टि में अपराध है, क्राइम है, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है। आप पूरी तरह से निश्चिंत रहें, भले ही FIR रजिस्टर्ड ना हो लेकिन उसके विरुद्ध परिवाद दर्ज हो सकता है। तो आपको अगर ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि आपके भी आपको ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।